जो भी है मेरा ट्रांसपोर्ट, मतलब सीखने भी मैं जा रहा हूँ, उनकी कंपनी विजिट करने भी जा रहा हूँ, लंच वंच भी मिलेगा साथ में, जो है जो स्टूडेंट को जो है, अब ये मेरे टिकट जो मैंने लिया है, जितने मैंने पैसे पे किए हैं वो मुझे वापस मिलेंगे जाने के भी और आने के भी। सिमिलरली जब एक स्टूडेंट इंटरव्यू पे जाता है तो वो भी ये जब टिकट दिखाता है अपने, तो वो कंपनी डिपेंड कंपनी पे करता है, मोस्टली इस तरह रूल है, तो वो कंपनी आपको जो भी पैसे आप पे करते हो वो आपको रिटर्न करती है। हमारे यहाँ अब ये एक प्राइवेट कंपनी है, हमसे कोई टैक्स तो नहीं लेती ना डायरेक्टली, हमसे कोई टैक्स वगैरह नहीं मांग रही, गवर्नमेंट इदारे लेते हैं। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट इदारों में भी जब टेस्ट होता है कोई या कोई इंटरव्यू होता है तो उस पर भी उन्होंने टेस्टों पर भी जो है फीसें रखी हुई हैं, ठीक है, कोई 800-900। अब बेरोज़गार बंदा जिसके पास जॉब नहीं है और इतने एप्लीकेंट हैं, सीटें होती हैं 5 और हज़ारों में एप्लीकेंट होते हैं, तो कहाँ से लाए वो बेरोज़गार बंदा, कहाँ से लाया 1200-1600-800। मतलब अब यहाँ पे भी तो है ना, इंटर्नशिप्स हैं, आपको इंटरव्यू पे बुलाते हैं, बल्कि आपको पे करते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे देते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ की कंपनियों में और वहाँ की कंपनियों में और वहाँ के इवन हमारे गवर्नमेंट के इदारों में। तो कटकटा के बाद वही है कि भाई वीडियोज़ कितनी बना लें हम कितना भी बोल लें, फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो जो लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, सिंपल सा आपको मशवरा है, भाई मास्टर पकड़ लो बाहर किसी कंट्री में और वहीं पे जॉब ले लो सकून से, जॉब्स भी हैं, इज्जत भी है और सकून से ज़िंदगी गुजारो। और आज जो है अब हम जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे तो स्टेशन पे जैसे मैं पहुँचूँगा तो उनकी गाड़ी खड़ी होगी जो मुझे पिक करने आएगी। तो कटकटा के वीडियो का मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान में इंजीनियर को इज्जत दो, ठीक है, तो ये आज की वीडियो का मकसद है। तो चलें अब हम आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं। तो अब जो है मैं उस ट्रेन से उतर चुका हूँ जो जिसमें मैं आ रहा था, जो जिसको शिंकानसन बोलते हैं उसमें जापानीज़ में। तो अब जो है मैं एक दूसरी लोकल ट्रेन में बैठ रहा हूँ, तो यहाँ से जो है फिर अब ये हमें ले जाएगी एग्जैक्टली उसी स्टेशन पे जहाँ से मुझे कंपनी की गाड़ी आके उठाएगी। तो वो ये रही, बिल्कुल पाकिस्तानी कलर है। तो अभी जो है मैं, कंपनी ने जो मुझे टाइम दिया है उससे मैं तकरीबन जो है 15-20 मिनट पहले पहुंच गया हूँ। और जापान में जो है ये चीज़ बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है कि जब आप जो है टाइम से पहले पहुंचो, तो इसलिए जो है अभी टाइम है तो तब तक जो है जो रही सही कसर है, जो टाई वही है, मैं वो पहन लूँ ताकि जैसे कंपनी वाले आएँ तो मैं जो हूँ रेडी होके बैठा हूँ। कैसा लग रहा हूँ भाई, सही है? तो चलें जी अब हम निकलते हैं आगे। तो ये जी ये हमारा बटन हो गया बंद, ओके लेट्स गो। तो अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उनकी गाड़ी का। ये पीछे जो मेरा आप देख रहे हैं स्टेशन का नाम, इसका नाम है मिकुमो स्टेशन। तो अब जो है इनकी गाड़ी यहाँ पे इसी स्टेशन पे उन्होंने मुझे बताया था, तो यहाँ पे उनकी गाड़ी आएगी मुझे रिसीव करने। はい、ございます。お元気ですか?あ、元気です。それなんですか?それがカメラです。私は名古屋工業だけど、あららけです。あ、確かに来ているのなが岡田と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、カメラですか?カメラです。はい、これ名前はGoPro。GoPro。はい、GoProです。あ、撮影してるんですか今?はい、今、大丈夫ですか?あ、はい、ただちょっと工場での撮影はご遠慮いただいてるので、はい。はい、そこだけいただけたらよろしいですか?わかりました。ありがとうございました。はい。あ、じゃあ、こちらから。はい。いただきます。と、家はもう来ねえや、もうたらま。お名前は?あ、長尾と申します。 長尾と申します。長尾。はい、長尾さん。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。 तो जी हम पहुंच गए, अभी जो है ये मोहतरमा हमें ले जाएंगी। その後動画はどういうふうに使用されるんですか? どちが?あ、動画です。これが、はい、私は YouTuber です。YouTuber?YouTuber? はい。YouTube ですか ?YouTuber。はい。
जी हम बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हिताची कंपनी में। तो अब उनकी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स थी कि आप जब आओ तो आपको मास्क होना लाजमी है। तो हमने गाड़ी में बैठते ही पहले अपने मास्क पहन लिया है ताकि जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। तो जी हम कंपनी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ये सामने आप नाम देख सकते हैं। तो ये जी हमें कंपनी तरफ से खाना दिया गया है। तो जी इंटर्नशिप हो गई पूरी और अभी जो है वो मोहतरमा वापस गई है गाड़ी लेने के लिए। तो फिर वो हमें छोड़ के आएंगे स्टेशन पे। और इन्होंने जो है जितने जो मैंने पैसे पे किए थे इस लिफाफे में सारे डाल के मुझे वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो है वापसी का सफ़र करना है। तो अभी जो है मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है। तो अभी मैं डायरेक्ट घर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी रास्ते में मैंने एक जगह ढूंढी है, तो वहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा स्टे। एक लेक है तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर घूम फिर के उस एरिया को थोड़ा डिस्कवर करके तो फिर जो है मैं चला जाऊँगा वापस घर। क्योंकि इंटर्नशिप करने तो हम आए नहीं थे, कौन कम वक्त इंटर्नशिप करने आता है। हम तो आए थे ताकि हम थोड़ा कंपनी खर्चे पे घूम सकें, इन्जॉय कर सकें, वीडियो बना सकें, खुद भी इन्जॉय करें, आपको भी करवाएं। तो बात कटकटा के वही है, सब्सक्राइब माय चैनल। यार मैं बोलता नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि आप करोगे नहीं, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो अभी जो है मैं एक लेक पे आया हूँ। ये इस लेक का नाम है लेक बिवा। तो यहाँ पे एक स्टेशन था रास्ते में माय बारा के नाम से, तो मैंने मैप में देखा कि ये लेक उसको करीब में है, तो फिर मैंने जस्ट वहीं तक की ही टिकट ली। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि इस लेक पे थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो ये हम आपको थोड़ा दिखाते हैं लेक का जो है व्यू। तो अभी जो है यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा था, दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊँ, पर अब आगे तो जाना है, मंजिल पे तो पहुँचना है। तो ये आप आखिरी जो है लेक का दीदार कर लें। ये लेक का पानी, सामने पहाड़ और पहाड़ों के पीछे डूबता हुआ सूरज और पानी की आवाज़। चलें जी, चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ।